तो आज की मेरी रेसिपी है मटर का निमोना। और ये है मेरे सारे इंग्रेडिएंट, आलू, मटर, गोभी, एक प्याज मैंने कट किया, चिली कट किया, एक मैंने टमाटर लिया, यहाँ अदरक, लहसुन और खड़ा गरम मसाले को मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है। और अभी पहले हम मटर को मिक्सर में पीस लेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करके। बिना पानी का नहीं अच्छा होता है, थोड़ा पानी से सॉफ्ट हो जाता है। और ये मेरा मटर पीस के रेडी है। और अब हम चलते, ये सारे मेरे मसाले हैं, मुझे जितना चाहिए उतना मैंने रखा है। गरम मसाले, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और नमक। और हम आगे चलते हैं। यहाँ हमारा कुकर, मेरा तेल गर्म हो चुका है। पहले हम गोभी को सैलो फ्राई करके निकालेंगे। यहाँ मैं गोभी को आराम से फ्राई कर रही हूँ, कोई तेज़ी नहीं है, बिल्कुल आराम से। और ये मेरा गोभी फ्राई हो चुका है। इसके बाद हम इसको अच्छे से प्लेट में निकाल लेंगे। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। यहाँ मेरा गोभी फ्राई हो चुका है और इसको हम प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके बाद से हम आलू को फ्राई करेंगे। इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हाफ हाफ स्पून में ये दोनों अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और हम इसको सैलो फ्राई करके दोनों को अलग अलग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। लगभग मेरा आलू भी फ्राई हो चुका है और इसको भी अब हम दूसरे प्लेट में निकालूंगे। और हम आज का मेरा इंग्रेडिएंट रेसिपी है मटर का निमोना। आप इसे क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मटर के निमोना को और क्या बोल सकते हैं। हमारी साइड में सब मटर का निमोना ही बोलते हैं स्टार्टिंग से, मैंने और नहीं कुछ सुना है और क्या बोल सकते हैं इसको। और ये मेरा आलू फ्राई हो चुका है और इसको मैंने अच्छे से निकाल लिया। अब हम बनाएंगे मसाले। यहाँ मेरा तेल गर्म हो चुका है और यहाँ मैंने दो तेज पत्ते ऐड किए। उसके बाद मैंने ऐड किया ग्रीन चिली, तीन चिली मैंने छोटा छोटा कट कर लिया। और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद से हम ऐड करेंगे इसमें ऑनियन, जिसको मैंने पहले से ही काट के रखा हुआ है। प्याज को ऐड करेंगे और प्याज को भी हम जब तक ब्राउन नहीं हो जाए तब तक उसको फ्राई करेंगे। ऐसे नॉर्मली डाल दो सब जल्दी जल्दी तो फ्लेवर अच्छे नहीं आते हैं। जितना अच्छे से फ्राई होगा उतने अच्छे फ्लेवर आते हैं हर चीज़ के। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ऐड कर दिया है। इसको हम 1 मिनट चला के और इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद से इसमें ऐड कर देंगे हम अपना, जो मैंने अदरक, लहसुन और दो खड़ा गरम मसाले को मैंने कूट के उसका पेस्ट बनाया हुआ है, उसको हम ऐड करेंगे इसमें। और ये मैंने ऐड कर दिया और इसको भी हम 1 मिनट तक ऐसे फ्राई करेंगे ताकि इसका भी फ्लेवर अच्छे से प्याज और मिर्च इन सब में ऐड हो जाए। और इसके बाद हम ऐड करेंगे जो मैंने मटर को पीस के रखा हुआ है, उसको हम ऐड करेंगे और उसे फिर हम अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। और ये मेरा लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे मटर। मटर को अच्छे से इसमें फ्राई करके निकालना नहीं है, इसे में फ्राई करना है और इसे में मसाले भी रेडी करना है। और इसको आपको कवर करके कम से कम 4 से 5 मिनट तक पकाना है। इसको पकाने में आपको जितना अच्छा टाइम लगे आप लगाओ इसमें, क्योंकि जब अगर आप बहुत जल्दी ऐसे 1-2 मिनट में डाल दोगे तो उसमें वो मटर की स्मेल आते हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। और इसको आप कम से कम 5 मिनट तक पकाओगे तो जो मटर का कच्चा कच्चा मटर वाली जो स्मेल रहती है वो चली जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने अच्छे से इसको मैंने फ्राई किया हुआ है, मैंने 5 मिनट तक कवर करके इसको पकाया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। और मैंने सारे मसाले छोटे वाले स्पून से दो दो स्पून लिया। और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। यहाँ मुझे जितना मसाला चाहिए उतना मैंने ऐड किया हुआ है, न ज़्यादा है न कम है, जितना मुझे चाहिए उतना मैंने लिया है। और इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाला और इसे हम मटर के साथ मिक्स करके और अच्छे से इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक मसाले को भी पकाएंगे। मसाला जब तक पकाएंगे तब तक मसाले को तब तक पकाना है जब तक मसाला और ये ऑयल अलग ना हो जाए, सॉरी फॉर माई फंबल। और ये रहा मेरा मसाला अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे, बीच बीच में फंबल हो जाता है, नो प्रॉब्लम। ओके, ये मैंने पानी में ऐड कर दिया। इसको भी अच्छे से मिक्स करके मसाले को भी मैंने, मसाला ऐड करने के बाद भी मैंने इसे 3 से 4 मिनट तक कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसको पकाया था।
और आप भी ऐसे ही पकाना, और आप बनाना और मुझे कमेंट करना कि आपको ये कैसा लगा मटर का निमोना। बहुत ही टेस्टी, ठंड के टाइम में तो स्पेशली हमारे साइड में बहुत ज़्यादा ये बनता है, ठंड का सबसे बेस्ट खाना होता है मटर का निमोना। इसको आप चावल से भी खा सकते हो और रोटी से भी खा सकते हो, एज योर विश। और ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है, बहुत ही यम्मी यम्मी, टेस्टी टेस्टी, दिखने में बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ा आ गया था खाकर। और ये रहा मेरा मसाला, जो कि मैं इसको चेक कर रही थी कहीं नीचे पकड़ा तो नहीं है, बट वो नहीं पकड़ा हुआ था, अच्छे से वो फ्राई हो गया था। फिर मैंने सोचा 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं, और मैंने कवर करके इसको पकाया। और ये अब रेडी है, अब इसमें हम ग्रेवी बनाएंगे। जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप ग्रेवी ऐड करो। यहाँ मैंने 1.5 बाउल वाटर यूज़ किया था ग्रेवी बनाने के लिए। अभी तो हमने इसमें जो हमने आलू और गोभी फ्राई करके रखा था उसको ऐड करेंगे, और डालने उसको इसको डालने के बाद भी हम इसे 2 मिनट के लिए मसाले में मिक्स होने देंगे। यस, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमने मिक्स कर लिया आराम आराम से। और आप ध्यान देना कि आप इतने इतने हल्के हाथ से इसको मिक्स करना कि आपकी गोभी टूटे ना, क्योंकि गोभी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इजीली उसके टूटने के चांसेस होते हैं। तो आप बस इसको साइड साइड से हल्के हाथों से ही चलाओगे। और इसको मैंने 2 मिनट के लिए कवर करके इसको भी पका लिया, ऑलरेडी पका हुआ था बट वो फ्लेवर में मिक्स होने के लिए इससे हम मिक्स करें पका लेंगे। और ये रेडी हो चुका है, अब इसमें हम ग्रेवी ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1.5 बाउल पानी ऐड किया। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। मुझे जितना ग्रेवी चाहिए था मैंने उतना ऐड किया था मैंने, और बाकी मसाले और नमक मैंने अपने अकॉर्डिंग, जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने ऐड कर लिया था। और इसको बंद करने के बाद हम 3 से 4 सीटी लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप उससे ज़्यादा सीटी लगाओगे तो इस गोभी और मटर आलू सब आपस में मिक्स होके गल जाते हैं, जो कि फ्लेवर अच्छा नहीं आता है, पूरा एक ही में मिक्स मिक्स जैसा हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको हम कवर करेंगे और 3 से 4 सीटी इससे लगाएंगे। मस्त रेडी होगा हमारा मटर का निमोना, यम्मी यम्मी, टेस्टी टेस्टी। और ये मेरा सीटी लग चुका है, एक सीटी लग चुका, ये दूसरी, और नॉट्स लास्ट थर्ड सीटी। मैंने 3 सीटी लगाया और 3 सीटी सफिशियंट है। उसके बाद मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, जब कुकर अपने आप ठंडा हो गया तो मैंने इसको ओपन किया। और ये देख सकते हैं आप रिज़ल्ट, सो टेस्टी, सो यम्मी। बस निकालो, खाओ, मज़ेदार, मज़े लो। और नाउ इट्स सर्विंग टाइम, अब इसको हम अच्छे से सर्व करेंगे। और ये रहा मेरी गोभी, ज़्यादा गली हुई नहीं थी, आप देख सकते हो अच्छे से गोभी मेरी दिख रही है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी बना हुआ था, से बनाइए, खाइए और कमेंट करिए कैसा बना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू।